नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन के दूसरे चैप्टर की। जो इलेक्ट्रिशियन का भाग आपने पढ़ा है, पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें आपको मैंने पूरे चैप्टर नंबर 1 की डिटेल बताई है। आज डिटेल बाकी बची हुई है, ये अभी बताने वाला हूँ। तो इससे पहले अपने को देखने का ज़रूर प्रयास करें कि यहाँ पर अपने को किस प्रकार के जो आग के प्रकार होते हैं और वे किस प्रकार से उसको सिलेंडर यूज लेते हैं, उनकी कल जो पट्टियाँ होती है, कलर कोडिंग पट्टियाँ होती है, उसके नाम के अकॉर्डिंग किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जुड़े हुए रहें, इससे अच्छे कि आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगी। देखो, जो अपनी आग है, यहाँ आग के प्रकार होते हैं 4 प्रकार के, 1 प्रकार, 2, 3। और किन किन से मिलती है? ईंधन प्लस ऊष्मा प्लस CO2, ये तीनों चीज़ें उपस्थित होगी तो आग लगेगी। यानी इनमें से एक चीज़ भी अनुपस्थित है तो वहाँ पर आग नहीं लग पाएगी। मेरी बात सुनो, जब भी कभी भी आपको आग बुझानी हो तो आप ज़रूर प्रयास करें इनमें से एक चीज़ को अनुपस्थित कर दीजिए, जिससे यह आपकी आग बुझ जाएगी। मान लो यहाँ पर अग्नि है ईंधन, आप ईंधन को, जैसे ईंधन जो जलने में सहायता देता है, उसको आप अलग कर दो तो ये भी आपकी वहाँ आग अलग हो जाएगी। उष्मा भी अलग कर दो, CO2 यहाँ पर भी आप इनमें से एक अलग कर दो, तीनों मिक्स हो गए। मान लो ईंधन भी पड़ी है, उष्मा भी है, CO2 है, तो वहाँ आग लगेगी, तो वहाँ पर आपका आग का कारण बन जाएगा। स्पेशली है कि तीनों में से एक चीज़ को अनुपस्थित रखा तो हमारे आग बुझ जाएगी। अब बात करते हैं आग के प्रकार, कौन कौन से आग के प्रकार होते हैं वहाँ चर्चा में देखते हैं। आग के प्रकार में फिर यहाँ आग के सरणी ए में जो आग लगती है, जैसे अपने पास में लकड़ी हो गई, कागज हो गया, अपने पास चारा हो गया, जैसे अपने पास कपड़ा हो गया, और इन चीज़ों में जो आग लगती है उस सरणी हमें ए कहते हैं। आपको याद रखना कि ए सरणी में जो आग आती है, चारा, कागज और अपने जैसे कच्चे झोंपड़े हैं, जैसे अपने लकड़ी है, फर्नीचर है, इसमें जो भी आग लगती है उस सरणी ए में आती है। इस आग को बुझाने के लिए अपने पास में देखो शीतल जल का उपयोग करेंगे, एक हम शीतल जल का उपयोग करेंगे, दूसरा CO अपने बाद में करेंगे, शुष्क रेत का और CO2 का भी उपयोग करेंगे। आपको कभी भी सरणी ए का पूछा जाए कि लकड़ी और कागज में लगी हुई आग किस सरणी में आती, ए में आती है, या पूछे ए सरणी में आग कौन कौन सी लगती है, तो लकड़ी, कागज, चारा, कपड़ा और शीतल इसमें आग लगती है और उसको बुझाने के लिए हम शीतल जल का उपयोग करेंगे या शुष्क रेत का उपयोग करेंगे और अन्यथा CO2 का उपयोग करके इसको बुझा देंगे। अब मेरी बात, आपको ये बात समझ में आ गई है कि आगे हम बढ़ते हैं कि इसके आग बी प्रकार की जो आग होती है, ये आपके डीजल होगी, पेट्रोल होगी और अन्य तेल। डीजल, पेट्रोल, अन्य तेल, या आप इसको लिख लो मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। बी सरणी की जो आग लगती है वह अपने डीजल है, पेट्रोल है, अन्य तेल है, या आपके मिट्टी का जो तेल है उसमें उपयोगिता लगती है, उसको बी सरणी में आती है। इस आग को बुझाने के लिए हमें जो भी तेल के अन्य तेल, जो भी तेल में जो आग लगती है उसके लिए हमें स्पेशली ध्यान रखना है सरणी बी में आती है। इस आग को आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि
कि इस आग के अंदर जब भी इसमें आग लगती तो इसमें पानी का प्रयोग नहीं करना है, पानी वाले सिलेंडर का प्रयोग नहीं करना है। पानी का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि क्योंकि पानी है वह भारी होता है तेल की तुलना में जिस कारण तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे चला जाता है। अब देखो, जब भी आप क्योंकि पानी वह भारी होता है तेल की तुलना में और जिसके कारण तेल ऊपर आ जाता है पानी नीचे चला जाता है, आपने मान लो ये कोई आपका पात्र है, इस पात्र में आपका तेल भरा हुआ है, जैसे ही आप इसमें पानी का उपयोग करोगे तो पानी नीचे आएगा तेल ऊपर आएगा, इसकी वजह से पानी के अंदर CO2 भी मिश्रित होगी और ये O2 है जो अग्नि को जलने में सहायता देती है। अब O2 प्लस अपने ईंधन और उष्मा, ये तीनों चीज़ें यहाँ हाई लेवल में मिल जाएगी तो यहाँ पर आग भयानक रूप लेगी। कभी भी जब अपने बी श्रेणी में आग लग जाती है, जैसे डीजल है, मिट्टी का तेल है, इसमें जब कभी भी आग लग जाती है तो वहाँ पर पानी डालते ही वह पानी से आग बहुत ज़्यादा फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है कि तेल ऊपर आ जाता है पानी नीचे जम जाता है? दूसरा, पानी के अंदर को घुलनशील अपने O2 होता है, वह अपने अग्नि को क्या जलने में सहायता देगी, तो इसलिए यहाँ पर बी श्रेणी के आग में पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा बात ये याद रखे कि इसके अंदर ये साथ साथ में नोट करते रहना। बी श्रेणी में साथ में ये जरूर ध्यान रखें कि भाई मिट्टी का तेल है, डीजल है, इसमें लग गई आग, तो हमें उसको बुझाने के लिए उपयोग करेंगे बेटा किसका करेंगे बुझाने के लिए उपयोग किसका करेंगे यहाँ लिख देते हैं। एक तो हम करेंगे जाग विधि और दूसरा हम करेंगे शुष्क पाउडर। जाग विधि के द्वारा, जिसमें जाग एक दबाव के साथ में जाग भरा जाएगा, जाग को एक हमें कंप्रेशन दबाव के साथ में जाग भरेंगे और उस जाग के द्वारा हम जिसमें आग लगी तेल पर उसका छिड़काव करेंगे जिससे आग बुझ जाएगी। दूसरा होगा शुष्क पाउडर, शुष्क पाउडर भी दबाव के साथ भरा जाएगा, उसको हम किसी भी, जैसे आग लगी हुई, इस सिचुएशन में आग लगी हुई है तो इस आग को हमारा फैल रही है तो उसको हम छिड़काव करेंगे तो यह हमारी आग बुझ जाएगी। तो ये भी आप स्पेशली इस चीज़ को भी ध्यान में साथ में नोट कर लीजिए। दूसरी बात, आपको एग्ज़ाम में क्या पूछी जाएगी कि सी श्रेणी में जो आग लगती है वह कौन से प्रकार की होती है, बताओ। देखो, जब भी इसमें जो आग लगती है उसका काम अपना बात स्पष्ट करते हैं, सिलेंडर में जो आग लगती है या जो गैस के कारण, गैस में जो आग लगती है उसको हम बोलते हैं, सिलेंडर में आग या गैस में जो आग लगती है उस सी श्रेणी में आग आती है। इस आग को बुझाने के लिए कुछ विधियां हैं। आप लोगों को कभी भी घर पर सिलेंडर में आग लग गई है तो वहां पर आग बाहर फैल रही है तो आपको स्पष्ट एक चीज़ ध्यान रखनी, जैसे सिलेंडर है अपना, वहाँ जो निपल पूरी जल चुकी है और वहाँ आग भयानक रूप ले रही है, तो उस समय अपने पास में गीला कपड़ा लीजिए और गीला कपड़ा
उस पर डालकर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा प्लस ईंधन मिल चुका है और यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर हम वहाँ पर आग को बुझा सकते हैं। बुझाएंगे कैसे, गीला कपड़ा लीजिए और उसको ऊपर जहाँ आग लगी वहाँ पर उसको लपेट दीजिए, जिससे वह आग कुछ टाइम मिनट के अंदर वह आपकी आग बुझ जाएगी, जिससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसा ना करें कि आपकी वहाँ निपल जल चुकी है और वहाँ आग लगी हुई है और आप नीचे फेंक रहे हो किसी मंजिल से, वहाँ भी किसी प्रकार आपने उसको बाहर फेंका है, गिराया है, तो आग नहीं बुझ पाएगी, जिससे विस्फोटक हो सकता है, बहुत बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, वो जन हानि हो सकती है। इसलिए आप लोगों को कभी भी घर पर आपका जो सिलेंडर होता है वहाँ आग लग जाती तो जल्दी से कोई जो भी बोरी हो या आपका गीला कपड़ा हो उसको उसके जहाँ पर आग लगी वहाँ पर डाल दीजिए तो आग बुझ जाएगी। और इसके अंदर अपने पास में एक सिलेंडर के अंदर आप पानी डालोगे तो वह आग नहीं बुझ पाएगी। आप इसके अंदर के अपने जाग प्लाइन विधि से भी यह आग नहीं बुझ पाएगी। आप सूसक पाउडर डाल सकते हो, सूखा पाउडर के द्वारा इसको आग बुझा सकते हो। या आपने ऑक्सीजन की सप्लाई काटनी है तो आपने को ऑक्सीजन सप्लाई काटने के लिए मैंने ये विधि बताई, इसके द्वारा आप आग को अलग कर सकते हो या इसके अंदर पानी डालकर इसका प्रयोग कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक बात याद रखना, जब आपको मैंने स्पष्ट बताया है कि जो निमी जो अपने इसमें कई बुकों ने आग जो आग है जो बिजली की जो तारों में आग लगती सी में बताया है, जैसे टेक्निकल हेल्पर ने माना था, जबकि अपने को जो आग लगती है जो बिजली के तारों में आग लगती है वह अपने डी में आती है। अब देखो ये चीज़ें आपको स्पष्ट में मैंने आप बात समझ में आ गई होगी, कॉपी में नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा सिलेंडर में लगने वाली आग किस सरणी में आती है, तो आप बोलोगे सी सरणी में आती है। गैसों में लगने वाली आग किस सरणी में आती है, सी में आती है। अब देखते हैं, जहाँ मैंने आपको एक बात बोली है, देखो आग अपने डी, इसमें जो आग लगती है ये अपने पास में बिजली के तारों में आग, ये बिजली के तारों में और धात्विक पदार्थ जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, आपका प्लैटिनम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन दो धात्विक पदार्थ धात्विक पदार्थ में जो आग लगती है वे भी डी श्रेणी में आती है। धात्विक पदार्थ में जो आग लगती है वह डी श्रेणी में आएगी और बिजली के तारों में जो आग लगी वह डी श्रेणी में आएगी। वैसे कुछ आप लोगों को देखेगी कि जो डी श्रेणी की जो आग होती है उसको धात्विक पदार्थों और डी श्रेणी की जो आग होती है उसको हम बुझाएंगे कैसे, वह देखते हैं। इस आग को बुझाने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको पानी का प्रयोग नहीं करना है, उपयोग नहीं करना है। पहली कंडीशन तो यह है। दूसरे पास सर उपयोग किसका करना है, देखो उपयोग करना किसका है, उपयोग करना है आपको शुष्क पाउडर का। दूसरा आपको उपयोग करना है जापलेन विधि का, नहीं होगा हेलोन विधि का, हेलोन का यानी इसको सीटी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC का, और किसका करेंगे, CO2 का करेंगे। आग बुझाने के लिए शुष्क पाउडर, हेलोन, CTC, आपको ये एक ही है। या इसमें CO2 का, इनमें से इन चीज़ों का उपयोग ज़रूर करें। आपका इनमें से हेलोन CTC नहीं है, CO2 है तो इसका उपयोग कर लें। शुष्क पाउडर पड़ा है तो उसको डाल दें, वह भी नहीं है तो सूखी रेत डाल दें, पानी ना डालें।
कभी भी बिजली के तारों में आग लग जाती है तो वहाँ गीली रेत भी नहीं डालें, शुष्क रेत डालें, क्योंकि आग का एक कारण होता है कि आपने पानी डाल दिया और पानी से बिजली की आग पानी विद्युत का चालक होता है और शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है। पानी आपने उस पर डाला है तो वह क्या करेगा, स्पष्ट ये बातचीत ध्यान रखे कि जब आपने पानी डाला है तो वहाँ पर जो जहाँ पर आपने आग लगी है तो वहाँ आग क्या बन जाएगी, जो स्थान है वह चालक बन जाएगा, वह स्थान चालक बनेगा तो वहाँ आग नहीं पहुँच पाएगी और वहाँ आग बंद तो हो जाएगी। जबकि अपने के साथ में चालकता बढ़ने से कोई व्यक्ति पानी में खड़ा है और वहाँ पानी डाल दिया तो भी इसको विद्युत का बहुत बड़ा झटका लग सकता है, उसके साथ में घटना हो सकती है, उसको बचने के लिए यहाँ उपयोग जरूर करें। ये चीज़ें मैंने आपको स्पेशली बता चुके हूँ कि आपको स्पष्ट ध्यान रखना है कि ये चार प्रकार की आग होती है, ध्यान रखें। देखो ये जो लगती है कागज कपड़ा, इसमें ए प्रकार में, बी प्रकार पेट्रोल डीजल, इसमें लगती है अपने पास में जिसमें गैस सिलेंडर, इसमें और इसमें डी में लगती है अपने तारों, बिजली के तारों। इस प्रकार से आगे हम पढ़ते हैं कि सिलेंडर में किस प्रकार का जो सिलेंडर होता है, अब पहचानेंगे कैसे, कोई भी आप लोग है कि आप फैक्ट्री में लगे, कंपनी में आपको जॉब मिल रही आईटी के बाद में, तो आप स्पष्ट ये सोचो कि सर हम पहचानेंगे कैसे इन लोगों को कि भाई हमारे पास सिलेंडर, ये कौन सा प्रकार का सिलेंडर है, इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, काली पट्टी सिलेंडर जो CO2 गैस भरी होती है, ये काली पट्टी का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर CO2 गैस भरी होती है। CO2 गैस भरने के लिए उस सिलेंडर का कलर का जो अपने पट्टी का कलर होगा वह काला हो, कैसा होगा, काला, काली पट्टी होगी। जब भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको पट्टी काले रंग की मिले तो इसके अंदर यह सोच लेना कि आपके इस सिलेंडर के अंदर CO2 गैस भरी हुई है। क्रीम पट्टी जो अपने पास क्रीम होती है, क्रीम कलर की जो पट्टी होती है, उसके अंदर आप यह सोचना कि इसके अंदर झाग भरा हुआ है, फोम, और फोम का आपको पता भी है कि हमारे जो बी प्रकार की आग लगती है उसके अंदर उपयोग लेते हैं, झाग का बिजली के तारों में और अपने जो घर में आग लगती है उसमें उपयोग लेते हैं। देखो फिर अपने नीली पट्टी होती है नीले रंग की, जहाँ इस प्रकार की पट्टी बनी होगी उसका कलर नीला होगा, तो उसमें नीले रंग की पट्टी होगी तो उसमें आपको पाउडर मिलेगा, नीले रंग की पट्टी होगी तो आप उसके अंदर पाउडर भरा होगा, काले रंग की CO2 भरा होगा, क्रीम कलर की पट्टी के अंदर आपका फोम भरा होगा, नीले रंग की पट्टी का आपका पाउडर भरा होगा, और पीली पट्टी होगी तो उसमें केमिकल भरा होगा, पीले पट्टी होगी उसमें आपके क्या होगा, केमिकल होगा। ये पट्टियाँ याद जरूर रखें, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि CO2 गैस में सिलेंडर की पट्टी का रंग होता है CO2 गैस में सिलेंडर की पट्टी का रंग होता है तो आप बोलोगे काला। ऑप्शन आएंगे चार आपके पास, काला, लाल, पीला, हरा, तो आप स्पष्ट बोलेंगे कि सर काला होता है। आपसे क्रीम पूछे तो फोम हो गया, नीला पूछे तो आपके पास में क्या, नीले में बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, पाउडर बोलोगे, पीली का बोलोगे तो केमिकल बोलोगे। स्पष्ट ये चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाली चीज़। काली के लिए याद रख ले फोम, काली के CO2, क्रीम के लिए फोम, नीली के लिए पाउडर, पीली के लिए केमिकल, इन चीज़ों को याद रख के साथ में आगे बढ़े कि व्यक्ति की सुरक्षा। आपको कभी भी वर्कशॉप में जाते हो, कहीं भी अपने कंपनी क्षेत्र में कहीं भी आप जाते हो तो आपको स्वयं को सुरक्षा रखनी है। कहीं भी कंपनी वर्कशॉप क्षेत्र जहाँ पर भी जाते हो तो आपके पास एक हाथ में दस्ताने होने चाहिए, जहाँ विद्युत का काम करो हाथों में दस्ताने होने चाहिए, विद्युत से दूर रहें, जहाँ 3PS की सप्लाई चल रही है अपने को नॉलेज नहीं है वहाँ जाकर हाथ संपर्क ना हो। तीसरी बात है कि आप लोग वहाँ जहाँ गए हो, जिस स्थान पर गए हो, वे
वह विद्युत के पूरा सोर्स पूरे विद्युत के यंत्र लगे हुए हैं, तो पैरों में जरूर जूते रखें। जूते आपने नहीं रखे पैरों में तो वहाँ आपके साथ बहुत बड़ी घटना हो सकती है। आप भी कभी भी विद्युत के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है उसको छुड़ाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करें, पत्थर का प्रयोग नहीं करें, वहाँ लकड़ी से गिराने का मारने का प्रयास नहीं करें। नियम जिस भारतीय मानक के ब्यूरो के नियम के अनुसार अपने पास में मैं बताऊंगा, कोई सी व्यक्ति को विद्युत के संपर्क में आ जाता है तो उसको किस प्रकार से प्राथमिक उपचार करना चाहिए। पीछे वाला वीडियो जरूर देखें जिसमें आपको प्राथमिक उपचार के बारे में बताया गया। कई लोग क्या कहते हैं, विद्युत में कोई व्यक्ति संपर्क में आ जाता है तो उसको चप्पल से ज़्यादा पीटते हैं। आप सोचो, कोई व्यक्ति की जब कोई जीने की हम इच्छा करके बैठते हैं और आप उसको विद्युत के कहते हैं कि हम उसको पीट कर बाहर निकालते हैं कि उसके पूरे शरीर में फैल गए, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप लोग किसी विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को पीट कर उसको विद्युत का झटका दूर कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। कभी व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाता है और उसको बेहोश हो जाता है तो वह प्राथमिक जो विधियाँ बताई मैंने वे करनी है, अन्यथा वह आपसे नहीं होती है। शरीर में बहुत ज़्यादा मान लो उसका बहुत हाई टेम्परेचर हाई एम्पियर का झटका लगा है, हाई वोल्टेज का झटका लगा है, तो उस व्यक्ति को आपको क्या करना है कि जिस व्यक्ति को झटका लगा है तो उस व्यक्ति को रक्त का बहाव बहुत स्पीड से चला है और उसमें हृदयघात हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकते हैं। हृदयघात जब 20 एम्पियर की विद्युत धारा शरीर में प्रवाहित हो जाती है हृदयघात होती है, 50 एम्पियर प्रवाहित शरीर में हो गई है तो आपकी मृत्यु मृत्यु हो जाती है, और 1 मिली एम्पियर आपको 5 मिली एम्पियर आपके विद्युत धारा में तो आपको शरीर महसूस नहीं करेगा। निबे वोल्टेज शरीर में वोल्टेज गए तो अपने शरीर भी सहन कर लेगा, महसूस नहीं करेगा। निबे वोल्टेज से अधिक वोल्टेज शरीर में आए तो हमारे शरीर का क्या महसूस करेगा। कोई व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है तो उसके पैर होते हैं या आपका कोई शरीर होता है उसको भाग को चीर कर खून को बाहर निकाला जाता है, जिससे क्या होता है कि शरीर से जो भी पर्सन होते हैं वे बाहर निकल जाता है। हाँ सर,